किसी का सुना? ए मेरी बाय ऐसे जी वो ऐसा बोलती रहती है, जो भी इसके लिए सीधा बलून से बाहर जाएगा ऐसे ऐसे करके। वो बलून है ना, बलून उसमें मैं पहले दो चार बार बैठा हूँ, अभी मेरी बाय आएगी ना बलून में से, तो मुझे उनको बातों में उलझा के रखने का है। हाँ बा बा हाँ बा बा जल्दी मोटे बाय छोटी प्रियंका आ रहे हैं। हाँ नेम नेम अमेलिया अमला अमेलिया अमेलिया अमेलिया। हाँ नहीं नहीं मिलने का है, बाय 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 अमेलिया बाय बाय। जय श्री कृष्ण बा। क्या उस लड़की को परेशान कर रहा था? क्या हुआ? बा वो बलून है ना, बलून वो होटल है। क्या क्या? हाँ क्योंकि प्रवीण भाई ने बोला कि बा और आप सब लोग होटल गए हैं और वो बिल है ना ऐसा सब, उसने बोला कि आप सब लोग बलून में गए, इट मीन्स के बलून होटल है। हाँ चल आइसक्रीम खाने चलते हैं। संभल के जाना, मेरे लिए लेना आइसक्रीम। अरे हर्षद प्रवीण बेबी सब कहाँ है? मस्त चांस मिला बातों में उलझाए रखने का। बा वो प्रवीणा भाभी है ना, प्रवीणा भाभी वो ओके ओके वाली, वो है ना उधर खिलौने की दुकान में खिलौने खरीद रहे है ना, वो शादी से पहले कुंवारी थी। क्या बोल रहा है, बेबी कहाँ है? बा हम लोग के मुंबई में ट्रेन के अंदर दुकान वाले आते हैं ना कंघी और अगरबत्ती वो सब बेचने के लिए, लेकिन इधर सिंगापुर में है ना ट्रेन दुकान के अंदर जाती है। देख अब ये नई बात कर रहा है। बा ये विवोसिटी की बात कर रहा है, विवोसिटी यहाँ सिंगापुर का बहुत बड़ा मॉल है। देखिए बा वो जो ट्रेन दिख रही है ना सेंटोसा एक्सप्रेस, इसका ट्रेन का नाम है, ये ट्रेन सीधी विवोसिटी मॉल के अंदर जाती है। बा अरविंद मुझे ये सब पता है, लेकिन गट्टू बेबी कहाँ है? बा ने डांट दिया रे, बेबी को गुस्सा आया रे, सारे सिंगापुर में बेबी खो गई रे, बेबी खो गई रे, बेबी खो गई रे, बेबी खो गई रे। क्या बेबी खो गई? लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने बोला तो नहीं था, मैंने सिर्फ गाया था, क्योंकि प्रवीण भाई ने मुझको बोला था कि मैं आप लोगों को बातों में उलझाए रखूं और बोलूं नहीं, इसलिए मैंने बोला। अरविंद मेरी बेबी खो गई है, ये परदेश में अरविंद मेरी बेबी। बेबी बेबी को कुछ नहीं होगा बा, फिक्र मत करो, ये सिंगापुर बहुत ही सुरक्षित देश है बा। हाँ लेकिन लेकिन बा हर्षद जल्दी आ, हर्षद जल्दी, हर्षद बेबी बा बेबी का मेरे मोबाइल पे फोन आ गया, बेबी एकदम सुरक्षित है। कांग्रेस पर वो है कहाँ? बेबी बेबी है ना, बेबी बेबी बेन बेबी बेन कमाल है वो। सोचिए यहाँ एक दिन मॉल में खो गई थी तब सबकी सांसें अटक गई थी, वहां विदेश में कोई होगी तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। तू क्यों रो रही है मीनाक्षी? नॉनस्टॉप रोना रोना रोना। मीनाक्षी बेबी बेन मिल गई है। वो लोग सिंगापुर गए हैं, कितनी बदकिस्मती है उनकी। कैसी बदकिस्मती? कितनी अच्छी दाल ढोकली बनी है आज, वो लोग खा भी नहीं पाएंगे बेचारे। बोलो वो लोग सिंगापुर गए हैं इतनी बड़ी खुशकिस्मती से नजर नहीं आई, लेकिन दाल ढोकली नहीं खा पाएंगे वो बदकिस्मती है। वाह तई वहाँ सिंगापुर में एक से एक बढ़कर वेजिटेरियन पकवान मिलते हैं। तब देखा सत्य वचन आया, सिंगापुर से फोन आया। हेलो गोदावरी बहन ठक्कर है घर पे? नहीं वो तो सिंगापुर गई है, आप कौन? अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है ना?
हाँ उनकी उम्र 64-65 साल है, लेकिन आप कौन? हेलो हेलो कौन था सुबोध भाई? किसी औरत का फोन था, बाकी उम्र पूछ रही थी। क्यों? कुछ पूछूं उससे पहले ही फोन काट दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसे फोन करके क्यों पूछेगा, मुझे तो डर लग रहा है हमारा के पापा। मुझे डर नहीं लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, क्यों क्या होगा फोन?